subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक, मैं हूँ शाहबाज अली। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार एम्बुलेंस की कमी नज़र आ रही है। वहीं पर बड़वानी जिले के सेंधवा में मदद कमेटी की एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर नागिन की तरह दौड़ती हुई नज़र आती है हमें। इसी को लेकर आप तक न्यूज़ ने मदद कमेटी के मेंबरों से एम्बुलेंस की सेवा के बारे में खास चर्चा करी। आप तक न्यूज़ पर पूरी खबर देखिए। आप सवाल हम करें, आइए जी। कोरोना काल में आप मदद कमेटी एम्बुलेंस कहाँ कहाँ गई है? पिछले 40 दिनों में इस कोरोना काल में मदद कमेटी की एम्बुलेंस ने करीब 90 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट को बचाया है। और मदद कमेटी की एम्बुलेंस इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धुलिया, मालेगांव, जलगांव सहित महाराष्ट्र और गुजरात में भी पेशेंटों को छोड़ा है। जी, हमें बताइए आप, किस कोरोना एम्बुलेंस का खर्चा होता है, एक पेशेंट कितना होता है? एम्बुलेंस का खर्चा एक पेशेंट का करीब, जो सक्षम लोग हैं उनसे अपन इंदौर का अगर भाड़ा माना जाए तो वो 5500 रुपये लेते हैं। जो दूसरे हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस है वो करीब 8000 रुपये के समथिंग लेती है। वो कमेटी की जो संस्था की एम्बुलेंस हमारी वो 5500 रुपये लेती है। और जो मध्यम वर्गी है उनसे मदद कमेटी निःशुल्क भी छोड़ती है, और जो जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं जो देने जैसे उनसे पेट्रोल खर्च पे भी छोड़ती है। अभी तक के सेंधवा कितने पेशेंटों को बाहर छोड़ा है? सिर्फ सेंधवा के पेशेंटों को मदद कमेटी की एम्बुलेंस से तकरीबन कोरोना काल में पिछले 40 दिनों में 90 पेशेंट के समथिंग पेशेंटों को बाहर छोड़ा गया है। और जो पैसे देने के हैसियत नहीं रखते हैं उनको मदद कमेटी द्वारा निःशुल्क भी छोड़ा गया है। और जो सक्षम लोग हैं उनसे न्यूनतम दर पर मदद कमेटी की एम्बुलेंस को पहुंचाया जाता है। ये मदद कमेटी मतलब सिर्फ मुस्लिम या हर धर्म के लोगों के लिए? मदद कमेटी सभी धर्मों के लिए है। मदद कमेटी किसी एक धर्म के लिए नहीं है। सभी धर्मों के पेशेंट को मदद कमेटी के एम्बुलेंस द्वारा जलगांव, गुजरात के, सूरत, महाराष्ट्र सभी जो छोड़ा गया है। मदद कमेटी की एम्बुलेंस का कोई अपडेट? मदद कमेटी मतलब इसमें अभी फ़िलहाल में एम्बुलेंस के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। अभी ऑक्सीजन की सुविधा तो पहले से मदद कमेटी में मतलब एम्बुलेंस में अवेलेबल है। और अभी साथ ही में जिस तरीके से पेशेंट को कार्डिक एम्बुलेंस की ज़रूरत लग रही है और बाइपर की सुविधा भी लग रही है, तो मतलब कार्डिक एम्बुलेंस जितनी ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश ये की जा रही है कि बाइपर मशीन जो होती है, सीपैप मशीन जो होती है, जिससे मतलब एक वेंटिलेटर का सपोर्ट माना जाता है ना, तो वो मशीन की सुविधा भी जल्द एम्बुलेंस में अटैच करने की कोशिश की जा रही है।